रहा है ना दिखने में बहुत ही यम्मी सा आम का अचार। तो आज हमने बनाया है आम का अचार, जो सालों तक हरा ही रहने वाला है, ग्रीन रहने वाला है, बहुत ही कच्चा कच्चा सा इसका टेस्ट है वो रहने वाला है, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही नमक मिर्च का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से दादी नानी के स्टाइल से हमने ये अचार बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इस टेस्टी से दिखने वाले अचार को किस तरह से घर पर हम इजीली बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम का अचार। उसके लिए मैंने ये मोटे आम ले लिया है, इनको धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है, उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है वो निकाल दिया है ताकि ये बहुत ही अच्छा अचार बने, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है। तो वो जगह हम वही ऊपर का पार्ट भी अचार में डाल देते हैं, अचार खराब होने का डर रहता है। तो इसको ऊपर के पार्ट को हमने अच्छी तरह से निकाल देना है। सभी आमों को मैंने इसी तरह से करके रख लिया है, जो भी आम का कोई काला पार्ट होता है उसको भी मैंने निकाल दिया ताकि अचार बहुत ही दिखने में स्वच्छ लगे, सुंदर लगे। तो इस तरह से सारे आम का मैंने ऊपर से चौ निकाल लिया है। तो चलिए अब इनकी कटिंग करते हैं। को एक धूप मैंने लगवा दी है, तभी ये थोड़ा सा काला काला हो गया है थोड़े थोड़ा। लेकिन इस तरह से अगर अचार डालते हैं तो ये कभी भी हमारा अचार है वो खराब नहीं होता। तो एक धूप लगवानी मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है। तो इसको अभी मसाले में मिक्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 200 ग्राम के करीब इसमें सरसों का तेल डाल देना है। अब बारी आती है नमक की, तो 250 ग्राम ही हमने नमक डाल देना है। पचास ग्राम के करीब हमने रेड चिली पाउडर डाल देना है। 50 ग्राम के करीब कलौंजी डाल देनी है। 50 ग्राम कलौंजी साबुत मेथी डाल देनी है। 50 ग्राम के करीब सौंफ डाल देंगे। एक कड़छी के करीब हल्दी डाल देनी है। अब डोलेंगे 20-25 सूखी लाल मिर्च होती है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट अचार का आता है और अचार खराब भी नहीं होता। और इसी के मसाले में ये मिर्ची है वो फूल जाती है और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है इसमें। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आम के अचार का एक पीस लेते हैं तो साथ ये मिर्ची भी तैयार हुई होती है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं, अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत ही अच्छा चटक सा रंग ग्रीन कलर का आ चुका है, बहुत ही अच्छा सा कलर इसका अचार का आ गया है। तो एक एक मसाला है वो इसमें कोट हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका अचार जब ये तैयार हो जाएगा, बहुत ही ग्रीन कलर का टेस्ट आने वाला है। तो इसी तरह से हमारे घरों में अचार सालों से बनता आ रहा है। तो अब इसको हमने डालना है एक कंटेनर में, खुले से कंटेनर में डालेंगे ताकि इसको अचार को एक दो बार हिलाना पड़ेगा तो उसमें हम हिला सके। बहुत ज़्यादा टाइट कंटेनर में इसको हमने नहीं रखना है, एक ऐसा कंटेनर मैंने ले लिया है, सूखा होना चाहिए बिल्कुल कंटेनर। तो इसमें अचार डालते जाएंगे। तो अचार का रंग बहुत ही अच्छा आ चुका है, आप देख सकते हो बहुत ही हरा और लाल रंग का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। कढ़ाई मैंने पूरी साफ कर दी है, पोंछ के सारे मसाले बीच में ही डाल दिए हैं
और डिब्बा हमारा आधा हो चुका है। तो 4 किलो आम की ये क्वांटिटी थी। 4 किलो आम के अचार में मैंने आपको कितने कितने मसाले जाएंगे वो मैंने आपको सब बता दिया है। तो इस तरह से 1-2 दिन की धूप लगेगी, अचार हमारा बहुत ही अच्छा रेडी होने वाला है। आप 2-3 साल तक ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। तो इसका कलर वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हो आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।